आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खूबसूरत और लकी प्लांट जेड प्लांट के बारे में। जेड प्लांट बहुत ही दिखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। इसके आप अलग अलग प्रकार से टोपियारी बना सकते हैं, जैसा शेप आपको पसंद हो उस शेप में आप इसको ग्रो कर सकते हैं अपने गार्डन में। बहुत छोटी कटिंग से ग्रो हो जाता है, बहुत ईजी टू ग्रो, ईजी टू मेनटेन है ये प्लांट। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है, अगर आपने थोड़ा सा लापरवाही कर दी तो ये बड़े से बड़ा प्लांट भी एकदम ख़त्म हो जाता है। तो कुछ बातों का आपको आप ध्यान रखेंगे तो आपके गार्डन में भी इसी प्रकार ये एक से अनेक बन जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ दो ऐसे पावरफुल फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी, जिसको अगर आप अपने जेड प्लांट में दे देते हैं तो आपका जेड प्लांट एकदम जो है रॉकेट की तरह ग्रो होने लगेगा और आप उसको एक से अनेकों बना देंगे। तो इस तरीके से देखिए, ये मेरा एक और जेड प्लांट है और ये देखिए मैंने अभी अभी इसकी टोपियारी बनाई है। तो अब मैं उम्मीद करूंगी कि ये धीरे धीरे और अच्छा सा अम्ब्रेला जैसे बिल्कुल इसका शेप आ जाए। तो बने रहेगा आज के इस वीडियो में, आपके साथ मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करूंगी जेड प्लांट के बारे में। ये भी मेरा एक प्लांट है और इस पर भी मैं कुछ शेप देना चाह रही हूँ। तो आप ज़रूर से कमेंट में बताइए कि इस पर मैं क्या शेप दे सकती हूँ। मैं सोच ही रही हूँ कि या तो मैं इसे बर्ड का शेप दूँ या कौन सा शेप दूँ, तो आप ज़रूर शेयर करिएगा। देखिए एक ही मेरी टोपियारी कितनी खूबसूरती से जो है बन गई है, बहुत ही सुंदर लग रही है। और एक मेरे कुछ ये मैं और बनाना चाह रही हूँ, छोटी छोटी मैंने कटिंग लगाई थी गिव अवे करने के लिए, तो अब कुछ तो मैंने गिव अवे कर दिए हैं, कुछ मैं और करूँगी तो वीडियो नहीं आपके साथ शेयर कर पाई, और अब जब करूँगी तो ज़रूर से आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो बहुत छोटी सी कटिंग में भी आप अगर इसकी लगाएंगे, मुश्किल से मुझे 4 से 5 दिन हुए होंगे कटिंग लगाए हुए, और इस पर देखिए कितने अच्छे से इस पर रूट डेवलप हो गई है। तो बहुत जल्दी जो है जेड प्लांट पर रूट आ जाती हैं, बहुत जल्दी इसकी रूट ग्रो हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से इस पर रूट आ गई है। तो एक और मैं आपको दिखा देती हूँ निकाल करके, तो इसको देखिए आप, इस पर जो है अच्छे से इस पर शायद रूट आपको दिखे, एक्चुअली मिट्टी लगी हुई है तो रूट नज़र नहीं आ रही है आपको। और इस पर देखिए आप, इस पर देखिए, इस पर क्लियरली जो है रूट्स नज़र आ रही हैं। तो इस तरीके से जो है बहुत छोटा सा ये 4 लीव्स का ये कटिंग थी, और देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो गई है। तो बहुत छोटी सी कटिंग से भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं इस तरीके से जो है। आप जो जेड प्लांट है फ्रेंड, जेड प्लांट को इस टाइम पर आपको बरसात में नहीं रखना है। अगर आप इन पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ, ऐसे तो मैंने जो मेरी टोपी आ रही है वो सब मैंने सेडी एरिया में रख दी है, लेकिन जो मेरी थोड़ा न्यू कटिंग्स हैं या कुछ और अलग कटिंग है उन्हें मैंने रेन में भी रखा है। मैं देखना चाहती हूँ कि रेन के पानी से ये किस हद तक ख़राब होते हैं या दोनों में क्या डिफरेंस आता है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में, आप देख सकते हैं ये मेरी सेडी एरिया में रखी हुई कटिंग्स हैं और इनकी जो सॉयल है वो आप देख सकते हैं कितनी ड्राई हो रही है। तो इनकी सॉयल, जेड प्लांट जो होता है स्पेशली रेन में, आप इसको अगर 8 से 10 दिन तक भी पानी नहीं देते हैं तो आराम से सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि मॉइस्चर इतना होता है एयर में कि वो उस मॉइस्चर से ही सर्वाइव कर जाता है। समर सीजन में आप 2 से 3 दिन तक इसे वाटरिंग नहीं करते हैं तो आराम से ये प्लांट चल जाता है, और विंटर में भी आप 5 से 6 दिन तक अगर इसमें वाटरिंग नहीं करते तो भी ये सर्वाइव कर जाता है। एक्चुअली फ्रेंड होता क्या है, ये प्लांट एकदम नहीं मरेगा, अगर आप इसमें कम वाटर देंगे तो इसकी लीव सिकुड़ जाएंगे और धीरे धीरे जो है गिर जाएंगी सिकुड़ करके, और लेकिन ये जो प्लांट है वो ख़त्म नहीं होगा। इस पर इसकी जो स्टैम्प है वो तब भी सर्वाइव कर जाएगी, और अगर आप इसमें ओवर वाटरिंग करते हैं तो ओवर वाटरिंग से जो है इसके स्टैम्प सड़ने लगेंगी और अंदर ही अंदर आपको पता भी नहीं चलेगा पूरा का पूरा ऊपर से दिखता हुआ हरा प्लांट कब ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आपको इसमें अंडर वाटरिंग भी नहीं करनी है और ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है, आपको इसके थोड़ा सा वाटर का स्पेशली ध्यान रखना होता है। बहुत छोटी कटिंग भी इसकी चल जाती है, मैंने ये देखे आगे पीछे कुछ इस तरीके से कटिंग लगा ली है। ये बहुत अच्छे से आप गिफ्टिंग पर्पज़ से भी इस तरीके से प्लांट को गिफ्ट कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत ये लगता है। मेरे हिसाब से अगर आप कहीं बुके देने जाते हो तो आप लाइव प्लांट गिफ्ट करें, तो लाइव प्लांट की एक अलग ही वैल्यू होती है। तो इस तरीके से जो है आप अपने बहुत सारे पैसे भी सेव कर सकते हैं, और जब आप किसी को लाइव प्लांट देंगे तो उसकी तो बात ही कुछ और होती है। तो देखिए कितने खूबसूरत मेरी ये दोनों टोपियारी बन गई। इसमें आप छोटे छोटे कुछ मतलब आर्टिफिशियल चीज़ें भी रख सकते हैं, जैसे आप झूले में अपने कुछ भी राधा कृष्ण जी लटका सकते हैं या कुछ भी आप लटका करके कुछ भी इसको क्रिएटिव कर सकते हैं और आप इसे गिफ्ट दे सकते हैं।
तो इस तरीके से ये एक गिफ्टिंग आइडिया भी बहुत अच्छा है। तो ये देखिए, ये मैंने पूरा एक अम्ब्रेला लुक में एक दूसरा ये नई टोपियारी बनाई है अभी, और ये मैंने आज ही बनाई है टोपियारी। तो अब होप सो कि ये जल्दी से अच्छे से ग्रो हो जाए और ये और अच्छा खूबसूरत सा लगे। तो अभी इसमें टाइम लगेगा उसे बनाए हुए, मुझे लगभग 1 मंथ हो गए इन दोनों टोपियारीज़ को बनाए हुए। और भी मैं बहुत सारा सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कलेक्शन है जेड प्लांट का, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ कुछ जो है बनाया जाए, कुछ कुछ क्रिएटिव किया जाए। तो अब जो हम बात करेंगे इसके रखरखाव की, वैसे तो ये एक सन लविंग प्लांट है, आराम से सन में सर्वाइव हो जाता है, इसे आप इंडोर आउटडोर कहीं भी रख सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। सभी प्लांट्स की गुड़ाई ज़रूर करें, टाइम टू टाइम गुड़ाई करने के मैं हमेशा आपको फ़ायदे बताती हूँ। प्लांट में आप गुड़ाई करते हैं तो प्लांट के रूट तक जो है एयर का सर्कुलेशन होता है और प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है। तो इस तरीके से प्लांट की गुड़ाई ज़रूर करें, जिससे आपका प्लांट हमेशा हेल्दी बना रहेगा। और दूसरा जो मैं बात कर रही थी, आप आउटडोर इंडोर कहीं भी इसको रख सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है रेन में, कि रेन में इस पर बहुत ज़्यादा बारिश ना गिरे और बहुत ज़्यादा पानी इसके ऊपर ना गिरे तो प्लांट ख़राब ना हो। तो ये देखिए, ये हैं आज के 2 पावरफुल फर्टिलाइज़र। सबसे पहले तो जो ये इसमें है, ये है इसमें डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये पूरी तरीके से अमोनिया और फॉस्फेट की कमी को प्लांट से दूर करता है और ये बहुत जल्दी से घुलनशील होता है, तो ये प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और आपको ज़्यादा नहीं देने, बस मात्र 4 से 6 दाने एक प्लांटर में आपको देना है। दूसरा जो है ये है नीम खली। तो इस टाइम पर फंगस का भी बहुत ज़्यादा अटैक प्लांट पर हो रहा होता है, तो ये दोनों चीज़ें अगर आप इस टाइम पर अपने प्लांट में बहुत थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में देंगे तो आपके प्लांट एकदम हेल्दी रहेंगे और बहुत लंबे समय तक आपके साथ चलेंगे और बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। आपकी टोपियारी भी बहुत खूबसूरत लगने लगेगी। तो इन दोनों को मिक्स कर लीजिए और बहुत थोड़ी क्वांटिटी में आपको अपने प्लांट के रूट में ये देना है और फिर आप देखिए किस तरीके से आपके प्लांट ग्रो होते हैं। तो बस नीम खली जो है हमारे प्लांट के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है और प्लांट को फंगस से भी सेव करती है। तो नीम खली को देना भी बिल्कुल ना भूलें रेन सीजन में। रेनी सीजन में जो है आप, मैं हमेशा आपसे बात करती हूँ कि रेनी सीजन में आप कोई भी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में दें तो सॉलिड फॉर्म में दें। सॉलिड फॉर्म में क्या होता है कि जो हमारा फर्टिलाइज़र होता है वो धीरे धीरे घुलता है और हमारे प्लांट को धीरे धीरे जो है ग्रोथ देता है। अगर हम इसे इस टाइम पर लिक्विड में, अपने लिक्विड फॉर्म में अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र देते हैं तो वो एकदम से घुल जाता है और बारिश के पानी से वो एकदम ड्रेन भी हो जाता है, तो प्लांट को उस प्रकार से पोषण नहीं मिल पाता है जैसा कि मिलना चाहिए था। तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड। होप सो आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो बहुत अच्छे लगे तो आगे तक भी ज़रूर शेयर करें फ्रेंड, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दूसरों को भी देखने को मिले। और अगर अभी तक आपने बेल के आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और सबसे पहले आपको। तो जब तक कोई दूसरा वीडियो लेकर के आती हूँ, तब तक के लिए बाय। व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें, गार्डनिंग करते रहें। हैप्पी गार्डनिंग।